सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सैटेलाइट सर्वे के तहत निर्यात धोरणों को उचित तरह से उसका अवलंब करके प्याज उत्पादक किसानों को राहत दी जाए और उनके उत्पादन खर्चे से उनको 1.5 गुना किस प्रकार से दर निश्चित हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं? नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या